चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मन सिखा पदंग समाधियामी। बोलिए बोलिए सर। एडवोकेट अभिषेक राज जी का। हाय सर। हाय सर, अपना माइक ऑन करें। मैं अभी कुछ दिन पहले जब समर संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और अभी भी समर संघ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारे वकील साथियों से भी इस बारे में बात हो रही थी कि वकील जो संघ का घटक है वो संघ के काम को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो बहुत सारे वकील साथी आगे आए और उन्होंने कहा कि हम लोगों को जोड़ेंगे और आगे लेके जाएंगे, जैसे संघ बताएगा वैसे हम लोगों को जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि संघ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत गहरा है। तो लोग शायद कई बार ये समझते हैं कि संघ का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद कोई संगठन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एसोसिएशन ऐसी है जो उसी पैटर्न पे काम करती है जो हमारा है नहीं, हमको जबरदस्ती दिया गया है। लेकिन फिर लोगों को ये बताया जाता है कि संघ का जो पैटर्न है वो पैटर्न है जो हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स का जो चला हुआ आ रहा है, ये वो कॉन्सेप्ट है। और एक्चुअली हमारा जो जुड़ने का कॉन्सेप्ट है वो असली है, वो यही है। तो जब बहुत सारे वकील भाइयों से बात हो रही थी तो उसमें बहुत सारे लोगों से जब बात होती तो वो कई कई चीजें निकाल के लाते हैं, कहते हैं नहीं हम जब तक कोलेजियम खत्म नहीं कर देते तब तक हम जुड़ नहीं सकते, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचते तब तक हम जुड़ नहीं सकते, हमारा भला तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे जजेस वहां नहीं बैठे होंगे। तो एक वकील भाई से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम अपना भला सिर्फ कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं और उसके लिए हमको कोलेजियम सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोलेजियम सिस्टम खत्म करोगे तो वो करोगे कैसे कोलेजियम सिस्टम खत्म? तो उन्होंने कहा कि वो पॉलिटिकल वे से होगा खत्म। मैंने कहा इसका मतलब आप पॉलिटिक्स में जाओगे, पॉलिटिक्स में आप कैसे जाओगे? उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आपको जुडिशरी में चेंज लाना है इसलिए आपको पॉलिटिक्स में जाना है और आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, यानी ये बात तय है कि आपको चाहे चेंज जुडिशरी में करना है, चाहे चेंज पॉलिटिक्स में करना है, चाहे चेंज सोसाइटी में करना है, या चेंज एजुकेशन में करना है, या चेंज हेल्थ में करना है, हमको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। अब इकट्ठा होने के लिए हमको हमारे महापुरुष बता के गए कि हमको इकट्ठा कैसे होना है। हमको इकट्ठा होने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है या कोई नया काम नहीं करना है कि हम उस काम से इकट्ठे हो जाएं। हमको वही काम करना है जो हमारा पुराना काम था, और उस काम में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम एक आता है वो आता है अपनी विल तैयार करने का। जिन लोगों की विल तैयार होती है, जिन लोगों की विल स्ट्रांग होती है, वो बहुत आसानी से इकट्ठे हो जाते हैं और वो कोई भी चेंज सडनली ला सकते हैं, या उनका कोई भी एक्ट इतना इंपैक्टफुल हो सकता है कि उसका जो डेंट है वो यूनिवर्स में हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। मैं एक छोटी सी जो है हिस्ट्री से एक कहानी उठा के ले आया हूं सबके लिए, वो बताता हूं। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके पीछे अंग्रेजों ने जब देखा तो उन्होंने ये पाया कि 1857 का रिवोल्ट इसलिए हुआ कि हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था, हमारे पास वो इंटेलिजेंस नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हम पता कर सकें कि एक्चुअली रिवोल्ट की तैयारी हो रही है। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और 1858 में वो एक नया एक्ट लाए जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाने के बाद जब उन्होंने फिर आगे उसको बारीकी से देखा तो उनको पता चला कि भाई इसको ऐसे नहीं चलाया जा सकता, इसके लिए तो हमको लगातार इनपुट की जरूरत है। फिर उन्होंने एक एक्ट बनाया 1861 में जिसका नाम रखा गया द पुलिस एक्ट 1861। तो पुलिस क्या काम करती थी, पुलिस उनको इंफॉर्मेशन दिया करती थी, उनको इनपुट दिया करती थी जिससे वो आगे के रिवोल्ट रोक सकते थे।
और धीरे धीरे करके पुलिस वो काम करने लगी जो अंग्रेज चाहते थे, यानी पुलिस का जो टोटल कंट्रोल था वो अंग्रेजों के हाथ में था, और पुलिस का काम गवर्नेंस को बनाने की बजाय जो ऊपर से चला उसको नीचे थोपना हो गया। ये जब 1947 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ये पुलिस एक्ट वैसे के वैसा ही चलता रहा। आजादी के बाद भी, देश की आजादी के बाद भी, ये पुलिस एक्ट वैसे का वैसा चलता रहा। 1969 से 1970 तक पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पे काम हुआ, लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ। 1998 में, 2000 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में बहुत सारे कमीशन और कमिटीज बनी जो पुलिस के रिफॉर्म पे काम कर रही थी, लेकिन उन कमीशन और कमिटीज ने जो जो अपनी रिपोर्ट दी, गवर्नमेंट ने कभी उनको लागू नहीं किया। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़ी जजमेंट आई, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कहा गया कि पुलिस को इमीडिएट रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उसमें काफी चीजें बताई गई, 7 मेजर पॉइंट्स बताए गए, उनमें से कुछ मैं बता देता हूं। जैसे पुलिस कमीशन बनना है, पुलिस बोर्ड बनना है, जो SHO और SP होते हैं उनका एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाए, पुलिस सेल्फ रेगुलेटिंग हो जाए। क्योंकि हो क्या रहा था कि जो गवर्नमेंट चाह रही है वो पुलिस कर रही है, जो गवर्नमेंट चाह रही है वो पुलिस कर रही है। तो पुलिस का जो इस्तेमाल किया गया देश में, वो किया गया लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, और लोगों से सारी वो चीजें कराने के लिए जो सरकार चाहती थी, चाहे वो धमका के हो, चाहे वो केसेस लगा के हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, वो काम पुलिस ने इस देश में किया। यानी जो सरकार चाहती थी उसको एज इट इज उन्होंने जमीन पे उतारा, और कहीं भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि वो जो 1861 का एक्ट था वो इंफॉर्मेशन गैदर करने का था, उसका जो प्राइम मोटिव था वो ये था कि जानकारी इकट्ठी करके जिन लोगों पे राज करना है उन्हीं की जानकारी इकट्ठी करके उन्हीं को दबा दिया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार ने कभी भी कोई कमीशन नहीं बनाया क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी। सरकार कभी ये नहीं चाहती थी कि कोई काम ऐसा हो जिससे लोग फ्री हों और पुलिस खुद को रेगुलेट कर सके और पुलिस इस काम को आगे लेके जा सके। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे पुलिस में क्या होता है ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन जुडिशरी में क्या होता है वो जो हमारे वकील साथी हैं वो जानते हैं, उसके अलावा बाहर के जो लोग हैं वो नहीं जानते। जुडिशरी में कोलेजियम सिस्टम चलता है हमारे देश में। कोलेजियम सिस्टम में जजेस ही जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं, जजेस ही जजेस का ट्रांसफर करते हैं, और वो जजेस आपस में ही सब कुछ करते रहते हैं, और वहां ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां लैक ऑफ इक्वालिटी है, लैक ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको खत्म करने के लिए बहुत सालों से चर्चा चल रही थी कि NJ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई जाए, या एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए जिससे जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में वो बराबर हो, हायर जुडिशरी की बात हो रही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कि उसमें रिप्रेजेंटेशन बराबर हो, और वो रिप्रेजेंटेशन जब बराबर हो तो उसमें हर तबके का आदमी, हर बैकग्राउंड का आदमी उसमें अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सके, ताकि जस्टिस का जो कैरेक्टर है वो इक्वालिटी पे, फ्रेटर्निटी पे, और बाकी जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज हैं उन पे बेस्ड हो। तो 2014 के अंदर, दिसंबर 2014 के अंदर NJAC बनाया जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। और कमाल की बात यह है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में तुरंत चैलेंज किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उसको अक्टूबर 2015 के अंदर रिपील कर देती है, मतलब उसको कह देती है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी रिप्रेजेंटेशन के लिए जो काम किया जा रहा है, यानी लोगों को आगे लाने के लिए जो काम किया जा रहा है, जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन के लिए जो काम किया जा रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी विल नहीं है इस चीज की कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को एज इट इज वो अपहेल्ड कर सके। तो जब ये काम हुआ तो हमको ये समझ आता है कि ना गवर्नमेंट में विल है, ना जुडिशरी में विल है, ना लेजिस्लेचर में विल है,
तो वो विल है कहां? हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वो जो विल है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि वो विल तब आएगी जब आप सब इकट्ठे होके आएंगे। तो जो इकट्ठे होने का काम है उससे ये साबित होता है कि सारी विल तब बनती हैं जब आप एक आइडियोलॉजी को लेके आगे चलते हैं, उस विल पे, उस आइडियोलॉजी पे काम करते हैं, और वो विल बनाने के लिए आप जो है सुबह शाम तक काम करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। तो जब देखा गया तो पता चला कि हम जितने भी समण लोग थे, हम पहले उस विल को बनाया करते थे, हम पहले उस आइडियोलॉजी पे चला करते थे, और हम पहले उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम किया करते थे संघ के माध्यम से। हम ये सारा काम संघ से किया करते थे, और संघ से सारे जितने भी काम थे वो सब के लिए इक्वली हुआ करते थे, क्योंकि जब संघ होता था तो संघ में सारे लोग साथ बैठ के अपने लिए डिसीजन लेते थे। अब चाहे वो डिसीजन अच्छे हैं तो वो संघ के हैं, चाहे वो डिसीजन बुरे हैं तो वो संघ के हैं। बुरे का मतलब ये है कि अगर कोई डिसीजन ऐसा होता है कि जिसको जो है वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, तो भी उसकी जिम्मेदारी संघ की ही होती है, क्योंकि संघ ने अपने लिए डिसीजन लिया है। इसलिए इस संघ को रिवाइव करने का काम किया गया, क्योंकि ये संघ को खत्म किया गया, इस संघ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई अशोका के बाद में। और वो कैसे किया गया? वो ऐसे किया गया कि जितने भी बुद्ध ने काम बताए थे हमको, हमारे वो सारे काम छुड़वा दिए गए। जो वे ऑफ लाइफ बुद्ध ने बताया था हमको, वो वे ऑफ लाइफ हमारा खत्म कर दिया गया। जो वे ऑफ लाइफ जो हमें लीड करना चाहिए था वो हमने छोड़ दिया। हम सारे ऐसे कामों में पड़ गए जिससे हमारा नुकसान हुआ और हमारा पतन हो गया। तो ये तय किया गया कि लोगों को जोड़ने का जो माध्यम है वो संघ ही हो सकता है, क्योंकि संघ हमारा पुराना काम है, इसलिए यहाँ पे काम शुरू किया गया। 5 मई 2021 से ये काम शुरू किया गया, और 5 मई 2021 के बाद से लेके आज तक संघ जिस रफ्तार से फैला है, इस देश के कोने कोने में जा रहा है, विदेश में कोने कोने में जा रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। हर प्रोफेशन के लोग यहाँ पे आते हैं, अपने प्रोफेशन के लोगों को यहाँ जोड़ते हैं और उनमें ये विचार डालते हैं और उनका ये विचार बढ़ाते हैं कि संघ को आगे कैसे बढ़ाना। और वो जो विचार है वो अपना नहीं होता है, व्यक्ति का नहीं होता है, वो विचार सारा का सारा वो होता है जो संघ में हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है। बुद्ध से पहले से चल रहा था, बुद्ध ने संघ के बारे में बताया, जितने भी महापुरुष रहे उन्होंने बताया संगति करनी है, संगति करनी है, संगति करनी है। मॉडर्न हिस्ट्री में बाबा साहब बता के गए कि संविधान के हिसाब से रहना है तो संघ में रह पाओगे। उसके अलावा बाबा साहब जो अपनी बातें बता के गए उसमें भी बता के गए संगठित रहना है। लेकिन जो बाबा साहब हमें बातें बता के गए उसको हमने अपने बेनिफिट के हिसाब से मोल्ड कर लिया, उसको ऑल्टर कर दिया। उन सारी बातों को ऑल्टर करने के साथ साथ उनमें अपना ज्ञान घुसा दिया, और संगठित होने के नाम पे धीरे धीरे करते करते 39 लाख से ज्यादा संगठन बना लिए। यानी हम इकट्ठे होने की बात कर रहे थे और हम बिखर गए। तो जितने भी लोग थे जो इस बात को समझते थे कि हमारा भला सिर्फ संघ से हो सकता है, उन्होंने उन 29 लाख संगठनों से बात की, उन नेताओं से बात की, उन पार्टियों के जो सर्वे सर्वा थे उनसे बात की और उनसे कहा कि आप इकट्ठे हो जाइए नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, आप इकट्ठे हो जाइए नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। वो सारे इस बात को समझते हैं कि हमको इकट्ठा हो जाना चाहिए, लेकिन वो इस बात को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। उनके वेस्टेड इंटरेस्ट ये हैं कि अगर वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके संगठन हैं, उनकी जो पार्टीज हैं या उनकी जो एसोसिएशंस हैं जिन पे वो राज कर रहे हैं, जिनसे वो अपने घर चला रहे हैं, जिनसे वो अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो जब उनसे कहा गया कि आप इकट्ठे हो जाओ, तो उन्होंने कहा हाँ इकट्ठे तो हो जाएंगे लेकिन हम इकट्ठे होंगे मेरे अंडर, यानी मेरी लीडरशिप में। दूसरे से कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ, हाँ हाँ इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन मेरी लीडरशिप में। तीसरे से कहा आप इकट्ठे हो जाओ, उन्होंने कहा हाँ इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन मेरी लीडरशिप में। तो जब यहाँ लीडरशिप की बात आती है तो वो लीडरशिप क्यों नहीं छोड़ना चाहते? वो लीडरशिप इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि लीडरशिप से उनको फायदा होता है, इसलिए वो लीडरशिप नहीं छोड़ना चाहते। तो इन सब चीजों को, ये जो बुराइयां थी लीडरशिप की, चंदे की, धंधे की,
गलत कामों की, इन सबको छोड़ते हुए संघ ने आगे बढ़ने का काम किया और जितने भी लोग थे उनको ये बताया, उनको ये जगाया, उनमें ये चेतना जगाई कि भाई आप सबसे पहले संघी हैं, बाद में आप कुछ और हैं, क्योंकि आप संघ से निकल के आए हैं और आपका संघ चला करता था। तो संघ अब कैसे चलता था? संघ वैसे चलता था जैसा लोग तय करते थे, क्योंकि संघ के सारे जितने नियम हैं वो सारे नेचुरल लॉज पे बेस्ड हैं, वो सारे नेचर पे बेस्ड हैं। तो वैसे जो रूल्स हैं वो यहां बनाए गए संघ के। जैसे संघ कभी किसी से पैसा नहीं लेगा, ना संघ कभी किसी को पैसा देगा, क्योंकि पैसा जो है वो जड़ बनता है उन सारी बुराइयों की जिनसे हम बिखर जाते हैं। वो सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। संघ कभी भी नेता नहीं, नेतागिरी में नहीं जाएगा, यानी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। संघ में से कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है वो फ्री है जाने के लिए। संघ जब भी बैठक करेगा तो उसमें अपना खर्चा संघी खुद देगा, यानी अगर वो बैठक के लिए आ रहा है तो वो दो रोटी अपनी लाएगा और दो अपने भाई की लेके आएगा, तो उसको मिला करके खाएगा, क्योंकि मिला करके खाने से प्यार बढ़ता है, संघ बढ़ता है, संघ की ताकत बढ़ती है। संघी कहीं भी जाएगा तो वो अपना खर्चा शेयर करेगा। मान लीजिए कि लखनऊ में मीटिंग है, लखनऊ में जाना है और दिल्ली से 6 संघी जा रहे हैं, एक गाड़ी से जा रहे हैं, तो वो अपना खर्चा बांट लेंगे, उससे किसी एक पे बोझ नहीं आएगा और अपनी आंखें भी ऊंची रहती हैं, आप आंख मिला के बात कर सकते हैं किसी से। संघी जब भी बैठेगा वो इक्वल बैठेगा, अगर सब फर्श पे बैठे हैं तो वो फर्श पे बैठेंगे, सब कुर्सी पे बैठे हैं तो अपनी अपनी कुर्सियों का पैसा देंगे। अगर कोई ऐसी जगह जाके बैठक कर रहे हैं कि जहां पे खर्चा होता है तो सब अपना अपना देंगे। किसी की भी जो है कोई भी बात ऐसी संघ आगे नहीं बढ़ाएगा जिससे इंडिविजुअलिस्टिक मैनर में किसी कोई आगे बढ़ रहा है, क्योंकि संघ आगे बढ़ता है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। संघ व्यक्तिवाद को खत्म करता है, तो संघ ने व्यक्तिवाद खत्म किया। ऐसे करके संघ आगे बढ़ा। तो जब संघ आगे बढ़ा, इस काम को बढ़ाने के लिए संघ में अलग अलग घटक बने। जैसे डॉक्टरों का एक घटक बना, पूरी तेजी पूरी स्पीड से डॉक्टरों का जो घटक है वो जो है डॉक्टरों का घटक काम कर रहा है और वो आगे बढ़ रहा है और पूरे देश के लोगों को के डॉक्टरों को जोड़ रहा है। महिलाओं का घटक बना, उसमें जितने भी महिलाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ रही हैं। बड़ा संघ बना, जो हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। वकीलों का घटक बना, देश के जितने वकील हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो काम है ये निरंतर चलने वाला काम है। और एक बात जो स्पष्ट है वो ये है कि आज जो हम काम कर रहे हैं इसका जो रिजल्ट है वो आने वाली जनरेशन को आएगा, और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो इसका कोई भी रिजल्ट आने वाली जनरेशन को नहीं मिलेगा। कोई जब बड़ी इमारत बनती है, कोई जब बड़ी बिल्डिंग बनती है, तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है वो बिल्डिंग उतनी ज्यादा मजबूत बनती है और वो उतनी ज्यादा समय तक रहती है। आज हम जितने भी लोग संघ के लिए काम कर रहे हैं, आज हम जितने भी लोग संघ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम लोग वो ईंट पत्थर गारा सीमेंट रोड़ी हैं जो इस इमारत की नींव में जाने वाले हैं। संघ में कभी भी व्यक्ति को नहीं बढ़ाया जाता है, ये सारे व्यक्ति जितने इकट्ठे होते हैं ये उस नींव का काम करेंगे जो कल को एक बहुत बड़ी इमारत बनेगा। वो इमारत बनना शुरू हो चुका है, वो इमारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो जितनी मजबूत नींव होगी, जितने मजबूत नींव को लगाने वाले होंगे, उतनी ही मजबूत इमारत बन के तैयार होगी और वो इमारत उतने ही लंबे समय तक रहेगी। इसलिए चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे वकील हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, वो सब के सब, या जितने भी गृहिणी हों, या जितने भी वरिष्ठ नागरिक हों, जो बड़ा संघ है, जितने बड़े लोग हों, वो सब के सब आज यहाँ पे नींव का काम कर रहे हैं और इस नींव का जो रिजल्ट है वो हमारी आने वाली जनरेशन को मिलेगा। संघ बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है, संघ बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि संघ बनेगा तो हम बचेंगे, तो हमारे बच्चे बचेंगे, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन बचेंगी। संघ नहीं बनेगा, व्यक्ति के पीछे जाते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, कुछ सालों में खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, हम ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी हम यहाँ पे थे ही नहीं। पहले तो फिर भी जो है हमको मौका मिला कि हम, क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं तो हमको मौका मिला कि हम कुछ गेन कर सकें। आज हमको इतनी सारी चीजों की आदत हो गई है, इतनी सारी
फैसिलिटीज लग्जरीज की आदत हो गई है कि अगर ये हमसे छिन जाती हैं किसी ऑर्डिनेंस के माध्यम से, किसी जजमेंट के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से, तो मैं यहाँ लिख के दे सकता हूँ कि हमारे जो आने वाली जनरेशन हैं या हमसे जो छोटे हैं या हमारे जो बच्चे हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनको वो सारी चीजें दी हैं जो हमारे पास पहले नहीं थे और हमने इकट्ठे करके दी। आप अगर अपने पीछे मुड़ के देखेंगे एक या दो जनरेशन में हमने सब कुछ गैदर किया है, उससे पहले नहीं था। कोई अगर ये कहता हो कि मैं जो है बाबा साहब की वजह से नहीं या मैं संविधान की वजह से नहीं अपने बल पे आगे बढ़ा हूं, तो उससे आप ये पूछ लेना अब से तीन जनरेशन पहले, दो जनरेशन पहले, चार जनरेशन पहले तुम कहां खड़े थे और आज तुम कहां खड़े हो। तो हमने जितनी भी चीजें अपने आगे आने वाली जनरेशन को दी हैं, अगर वो हमसे छिन जाएंगी, वो हमसे खत्म हो जाएंगी, तो हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता है वो कुछ पाने के लिए लड़ता है, और जिसके पास कुछ होता है वो उसको बचाने के लिए लड़ता है। तो अब हमारी जो लड़ाई है वो हमारे फोर फादर्स ने हमको जो दिया है, जो हमारे महापुरुषों ने हमको दिया है, जो हमारे संविधान ने हमको दिया है, उसको पहले बचाने की और फिर आगे बढ़ाने की लड़ाई है। लोग ये कहते हैं कि हमको संविधान बचाना है, हमको संविधान बचाना है, हमको संविधान बचाना है। संविधान बचाने के नाम पे बहुत सारी संविधान की पाठशालाएं चल रही हैं। सबको ये लगता है कि संविधान को पढ़ेंगे, प्रीएम्बल को पढ़ेंगे या संविधान का पाठ करेंगे, संविधान की क्लास चलाएंगे तो हम बच जाएंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं वो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें कि संविधान पढ़ने से संविधान बच सकता है। अगर संविधान बचता है तो वो लोगों से बचता है। अगर लोग नहीं है, अगर देश नहीं है, तो वो संविधान की किताब जो है एक बंडल ऑफ पेपर के अलावा कुछ नहीं है। वो सारा बंडल ऑफ पेपर कॉन्स्टिट्यूशन तब बनता है जब हम उसमें आते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जब तक हम सांस लेंगे तब तक वो डॉक्यूमेंट सांस लेगा। हमने सांस लेनी बंद कर दी, वो डॉक्यूमेंट सांस लेना बंद कर देगा। इसलिए हमको अपनी सांस को चलाए रखना है, हमको जीवित रहना है। हम जीवित कैसे रहेंगे? हम जीवित रहेंगे उन सारे प्राकृतिक सिद्धांतों को अपना के जो हमारे महापुरुष हमको दे करके गए, उन सारी चीजों को अपना के जो हमको बुद्ध ने या बाबा साहब ने या जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, संत रहे हैं, उन्होंने हमको दी हैं, उन सारे प्राकृतिक सिद्धांतों को बचा करके हम जीवित रह पाएंगे। और जीवित रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो आप नेचर में देखते हैं, जो सबसे इजी तरीका है, जिसमें एक रुपया खर्च नहीं होता, जिसमें एक एनर्जी खर्च नहीं होती, जिसमें आपकी जेब से एक इकन्नी नहीं निकलती, वो है साथ रहने का, वो है संग संग रहने का, वो है संग में रहने का। जैसे अगर आप जंगल के अंदर देखेंगे, वो ही प्रजाति सरवाइव करती है जो गुट में रहती है, जो इकट्ठी रहती है। आप कोई पेड़ देखेंगे या जंगल देखेंगे, जो पेड़ इकट्ठे रहते हैं उन्हीं की मात्रा ज्यादा होती है, वो ही आगे लंबे समय तक सरवाइव करके जाते हैं। जब भी कोई शहर बसता है तो उसमें भी लोग इकट्ठे होते हैं तब वो शहर बनता है। एक आदमी एक शहर नहीं बनाता है। एक आदमी अगर कहीं जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं सरवाइव कर सकता। इसलिए हमको संघ में रहना है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने घर से देख सकते हैं कि साथ रहने से क्या होता है और साथ रहने के क्या फायदे होते हैं। जब भी आपके बच्चे आपके घर से बाहर जाते हैं, दो बच्चे बाहर गए तो आप कहते हैं बेटा साथ साथ रहना, अलग मत होना। आपके जो बड़े बूढ़े थे, जब वो जो है जब ये धरती छोड़ के जा रहे थे, तब भी वो बता के गए कि भैया हम जा रहे हैं लेकिन तुम सब इकट्ठे रहना। क्योंकि वो सब जानते थे कि इकट्ठे होने की क्या पावर है। और हम भी जानते हैं जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि बेटा बाहर जा रहे हो हाथ पकड़ के रहना, इकट्ठे। क्योंकि अगर हम ये सब ना जानते होते तो हम उनको नहीं कहते। इसका मतलब इकट्ठा रहना हमारा नेचुरल सिद्धांत है, वो हमारे अंदर है, वो हमारे खून में है, तो इसलिए हमको इकट्ठे रहना है। और इकट्ठे रहने से आप सारी लड़ाई लड़ सकते हैं, इकट्ठे रहने से आप सारे काम कर सकते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि ये वी द पीपल समर संघ इतने समय से चल रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करके क्या करोगे? तो उसको आप कहना कि भैया इकट्ठा होने, अगर हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत ही। जो लोग इकट्ठे रहते हैं उनके सारे काम अपने आप होते हैं, क्योंकि उनकी एक विल होती है, एक कॉमन विल होती है उन लोगों की इकट्ठा रहने की। जिन लोगों की कॉमन विल होती है इकट्ठा रहने की, जिन लोगों की एक कॉमन विल होती है, वो अपने सारे काम कर लेते हैं। वो अपने कोई दुखी नहीं रहता, कोई दर्द ही नहीं रहता,
वो अपनी सारी दुख दर्द मिटा लेते हैं, वो सब आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए इकट्ठा रहना जरूरी है। अब जो यहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं इसमें से, या जितने भी लोग संघ में जुड़ रहे हैं इसमें से कुछ लोग वो हैं जो लगातार संघ में जुड़ रहे हैं, और इसमें से कुछ लोग वो हैं जो प्रोएक्टिवली संघ के लिए काम कर रहे हैं। जो प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं संघ के लिए उनको स्पोक कहा जाता है। स्पोक मतलब प्रवक्ता, जो संघ की विचारधारा को, जो संघ की विचारधारा हमको जो है जनरेशन से मिलती आ रही है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसको आगे फैलाते हैं, उसको बताते हैं। तो जो लोग यहाँ पे प्रोएक्टिव मैनर में काम करना चाहते हैं, जो लोग स्पोक बनना चाहते हैं, वो अपना नाम चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, उनका नाम जो है वहां से लेकर के उनसे बात करके उनको स्पोक बनाया जा सकता है। तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है संघ को बढ़ाने की, संघ को काम करने की। स्पोक के अलावा यहाँ कोई दूसरा पद नहीं होता, कोई दूसरा जो है अपग्रेडेशन नहीं होता है, कोई दूसरा प्रमोशन नहीं होता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम सब इक्वल हैं तो हम सारे के सारे इक्वल हैं। अब यहाँ पर डिसीजंस कैसे होते हैं, डिसीजन ऐसे होते हैं जैसे संघ में होते हैं, हम सब साथ बैठ के कोई भी मामले पर डिसीजन करते हैं, हम सब ऐसे बैठते हैं, कोई भी चर्चा होती है उसको हाउस रखते हैं, हाउस में रखने के बाद उस कोई भी मुद्दा होता है उसको हाउस में रखते हैं, हाउस में रखने के बाद उस पर चर्चा करते हैं। अगर हाउस में 50+1 को ये लगता है, यानी 50% + 1% को ये लगता है कि इस मुद्दे पे सबकी सहमति है तो और ये काम हो जाना चाहिए, तो संघ वो काम करता है। और जब संघ एक बार किसी काम को करने में लग जाता है तो उसके बाद जो 49% लोग हैं वो चाहे या ना चाहे वो उसका विरोध हाउस में उस मुद्दे को पारित होने से पहले तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो मुद्दा पारित हो जाता है वो चाहे ना चाहे उनको संघ के लिए वो काम करना ही है, क्योंकि संघ मेजॉरिटी से चलता है। ऐसे यहां पे डिसीजंस होते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि जो डिसीजंस होते हैं इनको इम्प्लाय कैसे करना है, उनको इम्प्लाय करने के काम जो है वो स्पोक्स का होता है। इसलिए जिन लोगों को काम करना है, जो लोग चाहते हैं कि संघ को अंदर से देखना चाहते हैं, क्योंकि यहां जब हम मीटिंग में रोज कॉन्सेप्ट बताते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को सुन के अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर ये देखना चाहते हैं कि संघ में काम कैसे होता है तो उसके लिए संघ के अंदर आना पड़ेगा, उसके लिए स्पोक बनना पड़ेगा। तो स्पोक बनते ही दायित्व बढ़ जाता है, स्पोक बढ़ते ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है, स्पोक बढ़ते ही आपको निरंतर काम करना पड़ता है। कमिटमेंट 100% संघ के लिए होनी चाहिए, कमिटमेंट 100% संघ पहली और आखिरी प्रायोरिटी संघ होना चाहिए, तब आप इस संघ को आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं। जितने स्पोक्स हैं वो कमिटेड होते हैं और वो काम को आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वो काम को आगे लेके जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पे लोग रोज जुड़ते हैं या जितने भी लोग इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं उनको एक बहुत बारीक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संघ जो है वो तब बढ़ता है जब हम मान लेते हैं कि हम संघी हैं। हम संघी हैं मानने का मतलब ये है कि हम संघ को निरंतर बढ़ा रहे हैं, हम संघ की विचारधारा को निरंतर आगे लेके जा रहे हैं, हम संघ को पल पल बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? पहले अपने घर में बढ़ा रहे हैं, फिर अपने मोहल्ले में बढ़ा रहे हैं, अपनी रिश्तेदारी में बढ़ा रहे हैं, जहां हम काम करते हैं वहां बढ़ा रहे हैं, जहां मनोरंजन के लिए जाते हैं वहां बढ़ा रहे हैं, जहां हम पार्क में घूमने जाते हैं वहां बढ़ा रहे हैं, जहां हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहां बढ़ा रहे हैं, जहां हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं वहां बढ़ा रहे हैं, अस्पताल में बैठे हैं तो वहां बढ़ा रहे हैं। यानी संघ का जो काम है वो आपकी बॉडी में जैसे सांस चलती है वैसे चलता है, इतना बारीक काम होता है संघ का। तो संघ का ये काम हमको निरंतर करना है, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे और हम संघ को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे नहीं बढ़ सकते मतलब हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ सकती। उनको बचाना है, उनको बढ़ाना है, अपने बच्चों को बचाना है, इसलिए संघ बढ़ाना है। आज अगर हम संघ को बढ़ाएंगे अपने बच्चों को बचाने के लिए तो ये 100% गारंटी की बात है कि हमारे बच्चों को अपने अधिकारों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पूर्वज उनके लिए संघ बना के गए हैं, उनके पूर्वज उनके लिए वो संघ बना करके गए हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया था और किन्हीं कारणों से वो धीरे धीरे वैनिश होता चला गया। इसलिए हमको संघ को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों के लिए हमको संघ आगे बढ़ाना है, अपने खुद के सर्वाइवल के लिए संघ आगे बढ़ाना है। किसी को अगर ये लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा धन दौलत अर्जित कर ली है, मैंने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज बना लिए हैं और मैंने काम ऐसा कर दिया है कि मेरे बच्चे तो बैठ के खाएंगे, उस गलत फहमी में ना रहे। क्यों?
क्योंकि पैसा जो है वो ऐसे खत्म हो जाता है जैसे जैसे पूरी पूरी सल्तनत खत्म हो गई थी अशोक की। अशोक के बाद जो राजा थे, अशोक से पहले जो राजा थे, वो संघ को आगे लेकर के गए, लेकिन वो सारी सारी सल्तनत खत्म हो गई, स्कूल खत्म कर दिए, विश्वविद्यालय खत्म कर दिए, पैसा खत्म कर दिया, राजा का रजवाड़ा खत्म कर दिया, राजा का महल खत्म कर दिया, राजा की सड़कें मिटा दी, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। अगर संघ बचा रहता है तो सब बचता है, इसलिए संघ जरूरी है। जो लोगों को ये लगता है कि हमने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए हैं अपने बच्चों के लिए और हम हमारे बच्चे उन रिसोर्सेज से सर्वाइव कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक संघ नहीं आप बनाएंगे, जब तक अपने बच्चों के लिए संघ तैयार करके नहीं लेके जाएंगे, वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, नामो निशान खत्म हो जाएगा, सब मिट जाएगा। इसलिए संघ बनाना जरूरी है, इसलिए जुड़ने जोड़ने का काम जरूरी है, इसलिए जुड़ना लगातार काम है, सिर्फ जुड़ना ही काम है। कोई अगर ये कहता है कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम स्कूल बना लेंगे, हम मेडिकल सेंटर बना लेंगे, अस्पताल बना लेंगे, सड़कें बना लेंगे, इस देश का एक एक पत्थर, एक एक मिट्टी का कण हम लोगों का है। कोई भी देश तब आगे बढ़ता है जब उस देश की सारी पॉपुलेशन आगे बढ़ती है। हम एज अ कंट्री फेल हो जाते हैं जब हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमारी नहीं होती और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ना होने का भी कारण यह है कि हमारे पास संघ नहीं। आप किसी भी प्रॉब्लम में जाएंगे, सॉल्यूशन मिलेगा संघ, इसलिए संघ के लिए काम करना जरूरी है। किसी को ये लगता हो कि हमने फलाना संगठन बना लिया, हमने जो है इतने लोगों को जोड़ लिया, हमने जो है इतना क्रांति कर दी, हमने इतना काम कर दिया, तो वो उस गलतफहमी में भी ना रहे, क्योंकि संगठन व्यक्ति से चलता है और व्यक्ति कभी भी हमारा सौदा कर सकता है, व्यक्ति कभी भी हमको खत्म कर सकता है, व्यक्ति कभी भी हमको बेच सकता है। और इसके हमारे पास हजारों लाखों एग्जाम्पल है, हजारों लाखों एग्जाम्पल है। आप अपने बगल में देखेंगे, सोचेंगे, अपने काम के इतिहास में देखेंगे, आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल खुद से मिल जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। इसलिए संघ जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति हमको बेच देता है, वो व्यक्ति हमको खत्म कर देता है। संघ में रहेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो हमको बेच सके, हमको तोड़ सके, हमको खत्म कर सके, इसलिए संघ जरूरी है। तो आज यहां पे जितने वकील भाई आए हैं वो इस बात को समझें कि संघ की इंपॉर्टेंस क्या है और वकीलों को संघ बढ़ाने में क्या योगदान करना है, संघ में वकीलों को कैसे जोड़ना है, इस पे काम करें। जो वकील साथी प्रोएक्टिवली संघ में काम करना चाहते हैं वो अपना नंबर चैट बॉक्स में दें, अपने परिचय में अपना नंबर बताएं, संघ की परिकल्पना को समझें, YouTube से वीडियो उठा के देखें, किसी भी संघी से बात करें, उस संघ की विचार को आगे बढ़ाएं, अपने घर में संघ बढ़ाएं, सबसे पहले अपने घर में संघ बढ़ाएं, फिर अपने रिश्तेदारी में संघ बढ़ाएं, अपने मोहल्ले में संघ बढ़ाएं, अपने शहर में संघ बढ़ाएं। शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, ये समझ लें सब जितने लोग यहाँ हैं, 324 लोग हैं, ये समझ लें, अगर आप संघ को घोट के पी जाते हैं, अगर आप हर सांस के साथ संघ को आगे चलाते हैं, संघ आगे बढ़ेगा, आपके जीते जी संघ बन के इतना मजबूत तैयार हो जाएगा कि आप अपने बच्चों को उसको तोहफे में देके जाएंगे, आप अपने बच्चों को उसको गिफ्ट करके जाएंगे कि बच्चों हमने तुम्हारे लिए ये बनाया है संघ, हमने तुम्हारे लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है, हम इस इमारत की नींव हैं, हम इस नींव में हैं और ये बिल्डिंग जो है ये इतनी मजबूत बनी है, ये इमारत इतनी मजबूत हमने तुम्हारे लिए बनाई है कि तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत होगी तो ये इमारत तुम्हें बचाएगी बच्चों, ये इमारत तुम्हारा रक्षा करेगी, ये इमारत में तुम संरक्षण ले सकते हो, इसलिए हमने तुमको इमारत दी है। लेकिन वो इमारत बनने के लिए हमको खुद को लगातार संघ में इन्वॉल्व करके संघ को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। एक आदमी, पांच आदमी, दस आदमी, बीस आदमी ये काम नहीं कर सकते, अपने जैसे हजारों संघ ही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, अपने जैसे लाखों संघ ही बनाने पड़ेंगे, तब संघ बढ़ेगा, तब संघ चलेगा। इसलिए पहले खुद को संघी बनाएं, फिर अपने जैसा संघी तैयार करें, फिर वो अपने जैसा संघी तैयार करेगा, ऐसे संघियों की मल्टीप्लीकेशन हमको करनी है, तब हम एक मजबूत इमारत बना पाएंगे। इसलिए जुड़ने जोड़ने का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बारीक है, लोगों को लगातार परस्यू करना पड़ेगा, हमें लोगों को लगातार बात करनी है, लोगों को लगातार परस्यू करना है, परसुएंस नहीं छोड़ सकते हम, अगर हमने परसुएंस छोड़ी तो हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमको लोगों से लगातार बात करके संघ का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाना है, इसलिए हमको लोगों को लगातार बात करके जोड़ना है, जुड़ना है, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं और अब भी अगर हम जुड़ेंगे तो हम जीतेंगे, हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपने दिया, थैंक यू। साधु 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 साधु। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam sirunam gacchami.